नो हमको जनरेट करना है, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रैंडम ऑब्जेक्ट क्लास इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रैंडम ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए हमको सिंपली लिखना पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, और ये हमारा रैंडम क्लास इंपोर्ट हो गया। तो अब ये जब हम रैंडम क्लास इंपोर्ट कर लिए, तो रैंडम क्लास इंपोर्ट करने बाद हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको सीधा सा लिखना पड़ेगा रैंडम, उसका नाम देना पड़ेगा आर ए इक्वल्स टू न्यू रैंडम और सेमी कोलन। तो इस तरह करते ही हमारा रैंडम क्लास ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब हमें जैसे कि कोई भी नंबर हमें जनरेट कराना है, तो जैसे कि हमें इंट इंटीजर हमें जनरेट कराना है, तो हम एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और ये हमारा इससे हम एक रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है या नहीं। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं ए, और इसको अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है या नहीं। तो ये अभी रन हो रहा है, देखते हैं। और ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो गया, देखिए ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। तो अगर हमें कहीं जरूरत पड़ गया कि अगर हमें कुछ लिमिटेड नंबर जनरेट करना, सपोज कि हमें 3012 दो ही जीरो के बाद दो ही डिजिट तक दो ही और हमको नंबर जनरेट कराना, तो सिंपल हमें ये रैंडम के अंदर जितना भी नंबर जनरेट कराना है उसे एक ज्यादा लिख देना। जैसे कि दो तक जनरेट कराते हैं, यहाँ पे तीन लिख दिए, और उसके बाद हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। सो इस टाइम 2 हो गया, अब एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार 1 हो गया और इस बार 0, तो मतलब कि 0 1 2 तीन नंबर हम जनरेट कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर हमें कोई और जनरेट कराना है, जैसे कि हमें जैसे कि अब हमें जैसे कुछ और नंबर जनरेट करा के देखते हैं। जिस तरह हम इंटीजर तो अब जनरेट करके देख चुके, अब हम लॉन्ग वेरिएबल में एक जनरेट करके देखते हैं। तो एक लॉन्ग एलो इक्वल्स टू आरे डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, और अब इसको हम देखते हैं कि हमारा ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, और उसमें सिंपली हम एलो लिख देते हैं और इसको रन करके देखते देखते कि हमारा रन होता है या नहीं। तो देखिए ये हमारा लॉन्ग हो चुका है। तो इसी तरह अगर हमें किसी भी तरह का नंबर रैंडम नंबर जनरेट कराना है जावा में, तो हम इसको सिंपल इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, और उसके बाद एक हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रैंडम, उसका नेम इक्वल्स टू न्यू रैंडम पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन, और उसके बाद रैंडम का नेम से हम डॉट करके किसी भी वेरिएबल में उसको हम रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं।